हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब सेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुपमा कुमारी ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर बीइंग सब्सक्राइब टू इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो। टुडे वी हैव स्टार्टेड विद आवर वर्चुअल क्लासरूम इन विच आई विल शो माई प्रेजेंस विद ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म ऑफ जूम। फ्रॉम जूम वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्लासेस। सो द फर्स्ट सेशन इज ऑन Matters in thin matters in our surrounding we have done. Now, is matter around us pure? Chapter 2 of chemistry, class 9, according to the NCERT and also for the examination. So, let's begin. I will like to share the PDF or we will study with sharing the things. So, let me begin. हेलो। हाँ सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम हियर। सो यूट्यूब यू ऑल हैव यू नो ना माय चैनल। लेट मी ओपन द PDF देन वी विल स्टार्ट। मैं आप लोग को NCERT से ही पढ़ाऊंगा, NCERT में लाइनिंग करके, ताकि आपके लिए आसानी हो उसे आगे तक पढ़ने के लिए। और नोट्स मेकिंग भी अच्छी बात होती है, पर मुझे 9th तक मुझे भी लगता था, पर 10th में आके लगता मुझे कि पढ़ना ज़्यादा जरूरी है नोट्स से। जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। नोट्स क्या है? तो वही है जो हम बुक में पढ़ रहे हैं। बुक को भी सिंसियरली पढ़ना, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, कम से कम 3 बार रिवाइज करना, यही होता है बेसिक। हाँ तो आ गया हमारा PDF। हेलो तो आ गया हमारा PDF। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्क्रॉलिंग वाला यहाँ है, यही सी में सबसे पहले है कि आपने कभी, इसमें है कि हम लोग जो घर में हमारे आते हैं घी मिल्क बटर ये सब जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, क्या ये प्योर है? हम लोग कहते हैं ना अपने नॉर्मल की भाषा में कि मेरे यहाँ शुद्ध दूध आया है, मतलब प्योर। शुद्ध का मतलब तो इंग्लिश में प्योर या प्योर सॉल्ट आया है, पर क्या हम लोग जानते हैं केमिकली हम लोग रॉन्ग है या साइंटिफिकली हम लोग रॉन्ग है? क्योंकि प्योर बस एलिमेंट और कंपाउंड को कहा जाता है, बाकी सभी चीज़ें जो हम लोग अपने मन से प्योर बोलते हैं, घी बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ये सभी मिक्सचर है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दे ऑल आर मिक्सचर्स एंड प्योर। और अगर किसी साइंटिस्ट से पूछे प्योर का मतलब,
उसका मतलब हुआ जो होमोजीनियस हो, या होमोजीनियस हो या जिसका पार्टिकल्स एक सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल से मिलकर बना हो, या सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड रेशियो में हो, ना कि इधर उधर अजीब से स्कैटर टाइप में। यही फिर आता है, यही हुआ इस पेज में, यही है। फिर आएगा हमारे आगे मैटर्स का कॉन्सेप्ट। एक मिनट जरा जूम। हाँ ये दिख तो रहा है ना आप लोगों को? अब इसमें आता है, सबसे पहले है मिक्सर। यूँ अगर आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो सबसे पहले तो पढ़ना है ये कि मिक्सर तो नहीं पढ़ना है, मतलब पहले हम लोग को सब्सटेंस जो है तो दो चीज़ों में क्लासिफाई होंगे। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में आ जाएंगे एलिमेंट और कंपाउंड, और सेकेंड में आ जाएंगे इम्प्योर, और इम्प्योर में मिक्सर आ जाएगा। प्योर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो लास्ट में बहुत ब्रीफ में है, पर हमें जानना चाहिए। एलिमेंट जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल से बना रहता है और केमिकली न्यूट्रल होता है। जनरली केमिकल रिएक्शंस में हम लोग 10 में जब पढ़ेंगे कि जब वो रहेगा प्लस तो वो न्यूट्रल ऐसा माना जाता है। चार्ज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नहीं, रिएक्टिव होगा वो, पर चार्ज न्यूट्रल रहता है जनरली। चार्ज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल में भी पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आता है, हम लोगों ने ये जान लिया, उसके बाद है क्या कि कंपाउंड्स। कंपाउंड जो है वो में वो होते हैं टू या मोर एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए, कम्बाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फिक्स्ड रेशियो, नहीं तो फिक्स्ड रेशियो में नहीं हुआ तो वो सब तो मिक्सचर हो जाएंगे किसी तरह मिला हुआ है। रुकिए मैं आप लोग को पेन से इसमें कर देता हूँ ताकि आसानी हो। अब हमने पहला तो आपको बता दिया मैंने, ये चैप्टर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, आप लोग यहाँ से ये तो समझ गए, ये चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैटर था, और मैटर व्हाट इज मैटर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा था, और क्या इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर प्रेशर का। इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन मैटर का, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो होंगे वो मैटर जो है, याद नहीं रहा, हेलो, तो ये हम लोग समझा। फिर हम लोग ने जाना कि ये दो तरह में बढ़ जाता है, ये क्या खुल गया, कितना अच्छा हम लोग पीडीएफ से पढ़ रहे थे। ओह माय गॉड,
हेलो। हेलो। तो आ गया हमारा ये, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पहले पढ़ रहे हैं जैसा कि मैंने कहा एक मिनट। हाँ, तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, ओ माय गॉड। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और ये दो में होता है। पहला थोड़ा इसमें मुझे दिक्कत होती है इस पेन से लिखने में, तो आप लोग माइंड मत करना। प्योर में, और दूसरा जो है इम्प्योर में। प्योर फिर दो में आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड में, और इम्प्योर मिक्सचर्स को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को मिक्सचर ही पढ़ना है। एक मिनट, हाँ हेलो। चलो यहीं तक स्टॉप करते हैं, इंट्रोडक्शन हमने आज का कर लिया। अब चलते हैं हम लोग हेलो। तो हमारा ये आज का यहाँ कंप्लीट रहा। अब हम अगली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे प्रेजेंटेशंस के साथ करेंगे। थैंक